सो व्हाट इज द वन थिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो बहुत सारे नए लोगों से मिलना हुआ था। क्लास में बहुत सारे नए लोग थे, अलग अलग जगहों से आए थे, तो सबके अपने अलग अलग पर्सनैलिटी थी। उनमें एक लड़का था जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब, थोड़ा सा अलग लगता था। मतलब वो ऐसा था कि उसको देख के ये नहीं कह सकते कि इसको, इसके अंदर सीरियसनेस नाम की कोई चीज़ है। मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी गो लक्की अल्टीमेट लेवल का, मतलब वो जब बात करो उससे हमेशा ही मजाक के मूड में। मैंने जब भी उसको देखा, क्लास में बैठे रहते हैं तब, ग्राउंड में है तो, हॉस्टल में है तो, मतलब इतनी अजीब पर्सनैलिटी मैंने कभी नहीं देखी। और मतलब ऐसा होता था कि, और फिजिकल फिटनेस उसकी इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा दौड़ते रहता था। मतलब मैंने जब भी उसको देखा ग्राउंड के अंदर, कभी क्रिकेट खेल रहा है तो फास्ट बॉलिंग रनिंग कर रहा है, या फिर किसी के साथ और पता नहीं क्या क्या करते रहता था, हमेशा दौड़ते रहता था। हॉस्टल के अंदर है, यहाँ पर ये भागा दौड़ी, उछल कूद, मतलब उसको देख कैसा लगता ना, जैसे कुछ कोई एक इंसान रहता, फुदकता रहता हमेशा, मतलब इस टाइप का इंसान था। और मतलब फिजिकली फुदकते रहना उसको, और ऐसे मेंटली बोलते हैं ना, मतलब बातचीत करने में भी, उसमें भी मतलब ऐसे लगता फुदकता रहता था। कोई सीरियसनेस नाम की चीज़ नहीं, पढ़ाई को लेकर, लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और मतलब फुल्ली हैप्पी गो लक्की। और मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था ये इंसान कैसा है ये, मतलब मैं हमेशा उसको देख के हैरान रहता था। रात को 2 बजे एग्जाम के टाइम में, जब सभी लोग हॉस्टल में लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं सब लोग हैं, तो कभी कभी बीच में अचानक से ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, एकदम से रात के 2:30 बजे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कुछ भी चिल्ला रहा है, किसी को बोल रहा है रात के 2 बजे, ओ आजा हम ये करते हैं वो करते हैं, या फिर ऐसे ही किसी को गाली दे रहा है, अपने किसी दोस्त को गाली होती कॉमन चीज़ रहती है हॉस्टल के अंदर। तो मतलब ऐसा इंसान था। एक दिन रात के ऐसे ही 2-3 बजे उसने एकदम से चिल्लाया, तो मैं सोच रहा यार क्या इंसान है, क्या बंदा है यार ये, मतलब गजब ही लेवल है उसका। और वैसे इंसान बहुत अच्छा था, तो ऐसी मेरी कोई बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाली दोस्ती नहीं थी कि मतलब एकदम से बहुत गजब के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ मेरी अच्छी जान पहचान थी। और एक दिन मैं उसके पास गया था, उसके रूम में गया था, किसी रीजन से गया था मुझे याद नहीं है, बट जिस तरह से उसने मेरे को ट्रीट किया था, जिस तरह से मेरे को वेलकम किया था, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कोई घर के अंदर, उसके अंदर कोई खास मेहमान आया है, उसको एकदम से रूम के अंदर लेके गया, बैठाया, बोल रहा है यार क्या लेके आऊँ तेरे लिए खाने के लिए पीने के लिए, और अपने रूम के अंदर बैठा रहा है मुझे। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था कि मतलब कितना हम्बल है, कितना डाउन टू अर्थ, कितना हम्बल है। ऐसी मजाक मजाक में बात चल रही थी, तो मतलब एक दिन उसने अपनी टी शर्ट निकाली हुई थी, तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब पेट जो होता है ना, फैट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और एकदम उसका पैट ऐसे हार्ड जैसा लग रहा था मुझे। मैंने कहा तेरी बॉडी तो बहुत हार्ड लग रही है, बोल रहा था चमनलाल तेरा जितनी ताकत ना लगा के मार मेरे पेट पे। मैंने कहा अरे यार कैसी बात कर रहा है, बोले नहीं नहीं मार। तो मैंने धीरे से उसको ऐसे किया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने किसी की बॉडी को टच किया, एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो रखी थी उसकी। मतलब आई थिंक उसने मतलब इतना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट किया हुआ है ना अपनी लाइफ में पहले, कि उसकी बॉडी इधर से बहुत ज्यादा हार्ड हो गई था। मतलब तो मतलब एक ऐसा फिजिकली इतना फिट, फिजिकली हमेशा दौड़ते भागते रहना, इतना ज्यादा मतलब केयरलेस, केयर फ्री पर्सन, किसी बात की टेंशन नहीं, हमेशा मौज मस्ती में इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, और मतलब बहुत सबके साथ अच्छा घुल मिल के रहने वाला था। ऐसी बात नहीं है कि अब एटीट्यूड जैसी कोई बात थी, मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान था, हैप्पी गो लक्की, मतलब जैसा, मतलब ऐसा इंसान जो मैंने शायद उससे पहले कभी नहीं देखा, और उसके बाद भी आज तक मैंने उस तरह का कोई इंसान कभी नहीं देखा। कॉलेज खत्म हो गया था, फिर सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए थे, तो बीच बीच कभी कभी ध्यान आता रहता था कि हाँ यार वो बंदा है, फिर पता चला था कि कुछ तैयारी वगैरह कर रहा है वो, ऐसे कोई कॉन्टेक्ट में तो नहीं रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले पता चला उसने सुसाइड कर लिया। तो जब मुझे पता चला सुसाइड कर लिया यार उस बंदे ने, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये क्या है यार।
ये कैसे हो सकता है? और मैं आज तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। मतलब वो इंसान, उसकी इमेज, मतलब वो इंसान, वो पर्सनैलिटी जो मैंने देखी थी उसके अंदर, मतलब वो इंसान जिसने, मुझे नहीं लगता उसने कभी किसी चीज को सीरियस लिया था जब तक मैंने उसे देखा था। उसने ऐसी क्या चीज हो गई कि उसने उसको इतना सीरियस ले लिया कि सुसाइड सुसाइड करने जैसा काम उसने किया। अब क्या वजह रही क्या नहीं रही मुझे नहीं पता क्या है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। और मुझे अंदर से जब भी इस बात को मैं फील करता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे एक ही चीज आती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। क्या मतलब ऐसा क्यों? और शायद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक बुरा लगता है कि काश शायद मैं उसे एक बार और मिल पाता अच्छे से। कॉलेज लाइफ में मिलना अलग है, और कॉलेज के बाद लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाने के बाद मेरा शायद कहीं ना कहीं एक मेरे मन में एक टीस जैसी है, शायद मैं उस इंसान से फिर से मिलता। एक चीज लगती है कि शायद मेरी अच्छी दोस्ती होती उससे, शायद कुछ मुझे मेरे साथ शेयर करना होता तो मुझे शायद पता होता कि क्या ऐसा कुछ हुआ यार, ऐसा इंसान जो ऐसा अटेम्प्ट सुसाइड करने जैसा काम कर सकता है। तो ये सब रहता है, मुझे समझ नहीं आता है कि यार क्यों ऐसे इंसान, इतने केयर फ्री, इतने केयरलेस, इतने मतलब फिजिकली इतने अच्छे, मेंटली इतने अच्छे, इतने हैप्पी गो लक्की किस्म के इंसान, वो ऐसी कौन सी चीज को लेकर सीरियस हो गए कि उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, मतलब सुसाइड जैसा काम किया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ दिस केयर फ्री पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, डूइंग सुसाइड।